बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब समाप्त हो चुकी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 अब खत्म हो चुका है। पहला मुकाबला खेला गया नागपुर में, भारतीय टीम ने 132 रन एक पारी के अंतर से वो मुकाबला जीता। दूसरे मुकाबले को भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीता, वो भी ढाई। उसके बाद 9 विकेट से दिल्ली का मुकाबला भारतीय टीम ने गवा दिया, स्टीव स्मिथ की कप्तानी में गवा दिया, ढाई दिन के अंदर, ढाई दिन के भी अंदर और निपटा दिया। और चौथा टेस्ट मुकाबला कोई नहीं जीत पाया, ना इंडिया जीत पाया ना ऑस्ट्रेलिया। अच्छा लगा कि ये प्रॉपर टेस्ट मैच की तरह था, 5 दिन ये टेस्ट मैच चला है, मतलब 4.5 दिन मान लीजिए, चलो 5 दिन के अराउंड ये टेस्ट मैच चला है, वो अच्छी बात है कि ढाई दिन में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे पिच की कोई भी चीजें नहीं हुई, जो पिच जो सबने रोना रो रखा था, बट प्रॉपर टेस्ट मैच के तौर पर ये चीजें हमें दिखाई दी आज का। और मजा है इस मैच में, जिस चीज का इंतजार हमें बहुत टाइम से, तीन साढ़े तीन साल से था, वो भी इस मैच में पूरा हो गया था। विराट का शतक आ गया, शुभमन गिल जिसको केएल राहुल की जगह लाया गया था, एक जुझारू पारी खेलेंगे, उन्होंने शतकिया पारी खेली, वहां से भी दो, अच्छा ठीक है, वहां से भी दो शतक आए हमारे यहाँ से, वहां से उस्मान ख्वाजा, कैमरून ग्रीन, हमारे यहाँ से शुभमन गिल और विराट, एक मैच में 4 शतक आए, एक मैच में 4 शतक आए। भारतीय टीम की पारी की बात करें तो भारतीय टीम में टॉप 6 जो पार्टनरशिप हुई है वो मिनिमम 100 बॉल और मिनिमम 50 रनों की हुई है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टनरशिप अक्षर पटेल और विराट कोहली के बीच ऊपर की पार्टनरशिप। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं, चौथा टेस्ट मुकाबला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का खेला गया अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। पूरा हाईलाइट आपको देंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला खेला गया। टॉस कप्तान स्टीव स्मिथ ने, यानी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 480 रन ऑस्ट्रेलिया ने अपने लगभग 1.5-2 दिनों में जो है वो बनाया। और उसके बाद भारतीय टीम ने जवाबी कार्यवाही बहुत शानदार तरीके से की। और आपको देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से भारतीय पारी में किन बल्लेबाजों ने कितना योगदान दिया वो आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले